हाल ही में विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 3 मई, जो कि 1993 से विश्व प्रेस दिवस शुरू हुआ है। 1 मई को मनाया जाता है मई दिवस, मजदूर दिवस, और 2 राज्यों के दिवस भी मनाए जाते हैं, शायद तक आपको याद हो, एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात डे भी 1 मई को ही मनाया जाता है। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, जो कि मछली से संबंधित है, मछली के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है A.S. किरण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ICC टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर पर रहा, जबकि वनडे में 2 नंबर पर, जबकि इंग्लैंड वनडे में 1 नंबर पर रहा। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई और इसका हेड क्वार्टर है दुबई में। वर्तमान चेयरमैन इसके हैं सुशांत मनोहर, और जुलाई 2019 में नेक्स्ट चेयरमैन होंगे इसके, जो कि अपॉइंटमेंट किए गए हैं मनु साइनी, और इसके CEO हैं टेप रिचर्डसन। तो ICC के बारे में ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए, और ये दुबई में जारी हुआ था टेस्ट ट्रैकिंग ICC वर्तमान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पहली बार जलवायु परिवर्तन आपात की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ऐसा शून्य अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया है। तो बढ़ते हैं आगे एक नए प्रश्न की ओर, किस देश ने संप्रभु इंटरनेट कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। रूस ने खुद का एक अलग नेटवर्क बनाने के लिए ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मूर्तियों की खोज हाल ही में कहाँ की गई? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तो तेलंगाना में यह मूर्ति, बौद्ध मूर्तियों की खोज की गई है। तेलंगाना में प्लास्टर से बनी सबसे बड़ी बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन हाल ही में कहाँ किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चीन भारतीय सीमा व्यापार का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में यह है नाथुला दर्रा में किया गया है। नाथुला दर्रा भी काफ़ी कंपटीशन में आ चुका है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नाथुला दर्रा कहाँ है सिक्किम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में हिंसक मौतों को मापने के लिए नई पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है SIPRI द्वारा, हिंसक मौतों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं आगे नए प्रश्न की ओर, हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। जो 15वें वित्त आयोग हैं, इनके सलाहकार परिषद में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को शामिल किया गया है, वहीं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अनके झा। बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की ओर, विश्व हास्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 5 मई, विश्व हास्य दिवस 5 मई को मनाया जाता है। 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हास्य दिवस है जो मदन कटारिया द्वारा शुरू किया गया था, 1988 में पहली बार मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हॉकी इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है PR श्रीजेश, जो कि हॉकी इंडिया के गोलकीपर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं आपको पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 1991 में की गई, और ये स्पोर्ट का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। इसमें मिलता क्या है? इसमें 7,50,000 रुपये प्लस एक शील्ड मिलती है। 2018 में विराट कोहली और मीराबाई को यह मिली है। हाल ही में एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है IIT इंदौर।
IIT इंदौर को शीर्ष 50 विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कुमार संकारा। ये अगले एक साल तक MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष रहेंगे। MCC की फुल फॉर्म है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश का MOMO-3 नामक रॉकेट बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचा है? तो इसका सही जवाब है जापान, जो कि एक मानव रहित रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 नामक प्रोब भेजने की घोषणा किसने की? तो ये घोषणा की है इसरो ने। इसरो की स्थापना 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भूषण पाटिल ने किस कंपनी से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही जवाब है पेटीएम। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और विजय शेखर शर्मा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब है ईरान। और ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 था, ये चाइना में हुई और इसमें ईरान पहले नंबर पे रहा, चीन 2 नंबर पे और जापान 3 नंबर पे। रही बात अपने भारत की, वो 8वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यूजीलैंड ओपन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही जवाब है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? जी हाँ, चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश, तो इसका सही जवाब है भारत। और इसके पहले नंबर पे है USA, 2 नंबर पे चीन और 3 पे सऊदी अरब के बाद भारत की चौथे नंबर पर पारी आती है। हाल ही में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मुकाबला करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने थे? जी हाँ, इसका सही जवाब है बजरंग पुनिया। साइबर अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में GST पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की? तो इसका सही जवाब है इग्नू। इग्नू ने GST से पर पाठ्यक्रम शुरू करने की शुरुआत की है और 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है, याद रखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है? तो इसका सही जवाब है हरा। वैसे जो भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चल रही थी, अमूमन देखा होगा आपने सफ़ेद कलर की प्लेट अनिवार्य थी, और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग को अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में कौन सा शहर एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही जवाब है जयपुर। ये अगस्त 2019 में आयोजित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका में जो मंगलुरु की महिला फोर्स है, वो ये उन्होंने अब्बक्का फोर्स का गठन किया है। महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी में भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है BSNL ने की है और मेरीकॉम ब्रांड बेस्ट है इसकी वर्तमान में। एशिया की सहयोग वार्ता की 16वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी अपने दोहा में। जनरल हैं इनके PK सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता कौन बना है? तो इसका सही जवाब है दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता है हवाई। पहला है सैमसंग और तीसरे नंबर पर है एप्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2018 में भारतीय निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा? तो इसका सही जवाब है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 मई।
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 मई। 4 मई को कोयला खदान श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, और मैंने पहले भी बताया था कि 2 राज्यों के दिवस भी मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, और मज़दूर दिवस भी, और 2 को वर्ल्ड टूना डे, और 3 को विश्व प्रेस दिवस, और 4 मई को कोयला खदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित दक्षिण अफ्रीकी देशों को $545 मिलियन की मदद किसने की, किस बैंक ने की? तो उसका सही जवाब है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और यहाँ दक्षिण अफ्रीकी में जो चक्रवात आए थे उनका नाम है इदाई, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जस्टिस रविंद्र भट्ट को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है अपना राजस्थान, राजस्थान के ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इनको शपथ है, वो कौन दिलाएंगे? गवर्नर जो वर्तमान में हैं, कल्याण सिंह।